अल्मोड़ा भवाली हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में राती घाट के समीप हुए एक दर्दनाक हादसे में रसोई गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले एक ट्रक के नीचे कुचले जाने से एक पैदल यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत देर शाम हल्द्वानी से खैरना की तरफ आ रहे रसोई गैस ट्रक के पिछले पहिए के चपेट में आ जाने से बुधलाकोट निवासी रमेश तिवाड़ी उम्र 28 साल पुत्र जगदीश चंद्र तिवाड़ी की राती घाट बाजार में मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी दिलीप कुमार और कांस्टेबल राजेंद्र सती मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम 7:30 बजे हल्द्वानी से रसोई गैस भरकर एक ट्रक जैसे ही राती घाट के मुख्य बाजार पर पहुंचा, तभी अचानक सड़क पर पैदल चल रहा बुडलाकोट निवासी रमेश तिवाड़ी वाहन के पिछले टायर की चपेट में आ गया, जिससे कुचले जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और चौकी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद खैरना चौकी इंचार्ज दिलीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।